घटना के महज 2 घंटे बाद 5 लाख की लूट करने वाले दोनों लुटेरों से बुलंदशहर पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जिनसे पुलिस ने लूट का माल बरामद किया है। पुलिस जांच में वादी द्वारा षड्यंत्र के तहत खुद से लूट कराने की बात सामने आई है। पुलिस वादी की भी तलाश कर रही है। मेडिसिन एजेंसी पर नौकरी करता है वादी। मालिक का पैसा बैंक में जमा करने जा रहा था, अपने ही लोगों से कराई गई लूट। एसएसपी की अगुवाई में नगर पुलिस एवं एसओजी द्वारा की गई लुटेरों की घेराबंदी। महज 2 घंटे में मुठभेड़ के बाद दोनों लुटेरे गिरफ्तार। दोनों को पुलिस की गोली लगी। लुटेरों के कब्जे से लूट के 5 लाख रुपए, तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं। लूट की ये वारदात नगर कोतवाली क्षेत्र में हुई थी। सवार दो बदमाशों ने उसके पैसे छीन लिए, 5 लाख के करीब रुपए बताए गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा अभी मुठभेड़ के दौरान लगभग अभी 1 बज रहे हैं, 1 बजे के करीब ये मुठभेड़ हुई है और मात्र 3 घंटे में इनके द्वारा ये जो घटना कार्य इन दोनों लोगों ने करा था, इन दोनों को दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया और इनके पास से पूरी की पूरी जो लूटी हुई रकम थी वो बरामद हुई है। पूछताछ में ये भी मालूम चला कि जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है उसी ने अपने साथ ये प्लानिंग करके पूरी की पूरी घटना करवाई है। उसकी भी गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।